दोस्तों प्रत्येक संगठन PSL पल्स पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है और हर जगह रोजाना कहीं ना कहीं मीटिंग धरना प्रदर्शन चलता रहता है। ऑल इन्वेस्टर्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने मध्य प्रदेश के सागर जिला में एक मीटिंग की है और पहले भुगतान फिर मतदान की इस मुहिम को जारी रखा है और सीधे तौर पर कह दिया है कि हम मतदान का बहिष्कार नहीं कर रहे, हम मतदान करेंगे मगर उन्हें करेंगे जो PSL का पैसा हमें दिलवा देगा। तो दोस्तों आइए क्या है पूरी खबर, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए मैं लेकर के चलता हूँ ऑल इन्वेस्टर्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजर्स की इस मीटिंग में। दोस्तों नमस्कार, पूरी खबर बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे एक इस तरह का लाल कलर का बटन आपको दिखाई देगा और बराबर में घंटे का निशान इस तरह का दिखाई देगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो आइए चलते हैं खबर। आज ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जिला कमेटी सागर की मीटिंग सागर के बड़ा बाजार एरिया में रखी गई, जिसमें सागर जिले की कई गांवों से और तहसीलों से निवेशक काफ़ी संख्या में इस मीटिंग में उपस्थित हुए और संगठन द्वारा चलाई जा रही मुहिम पहले भुगतान फिर मतदान, पहले पल्स का भुगतान फिर मतदान, इस मुहिम में साथ होने की बात सभी ने एकजुट होकर कही। कृपया कर कैमरे को सभी निवेशकों की तरफ भी घुमाकर बताया जाए कि जो निवेशक आज हमारे साथ उपस्थित हैं वो संगठन की इस मुहिम का एक साथ होकर एकजुटता से बात कर रहे हैं। यहाँ यह बताना चाहते हैं कि पल्स कंपनी के ग्राहक पिछले 4 सालों से दर दर भटक रहे हैं और उनके निवेश से संबंधित ना ही किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कि उनका भुगतान कब किया जाएगा, कितनी तारीख से शुरू किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, इस संबंध में कोई बात नहीं की जा रही है। जहां तक केंद्र सरकार के विभाग सेबी की बात करें, जिसने जितनी दिलचस्पी से कंपनी को बंद कराया, निवेशकों की बात को रखा कि भारत की भोली भाली ग्रामीण जनता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, धोखाधड़ी ना हो निवेश के नाम पर, और कंपनी को बंद किया जाए और उसकी प्रॉपर्टी सेबी ने अपने हाथ में ले ली, उतनी दिलचस्पी से निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए सेबी कोई कार्यवाही करता नहीं दिख रहा है। ना ही इसमें केंद्र सरकार स्तर पर भी कोई PSL के भुगतान संबंधी कोई बात सामने आ पा रही है। संगठन द्वारा निवेशकों के हित में, आम जनता के हित में विभिन्न माध्यमों से हमारे कलेक्टर महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय और जो वित्त को देखते हैं भारत सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को भी ज्ञापन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से निवेशकों के द्वारा ये बात रखी गई कि हम गरीब जनता है, हमारा पैसा इस कंपनी में जमा है जिसका भुगतान आज केंद्र सरकार के विभाग को करना है लेकिन हमारा भुगतान नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया कर हमारा भुगतान दिलाएं। इसलिए आज मजबूर होकर निवेशकों को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये मुहिम मजबूरी में चलाना पड़ रही है कि पहले पल्स का भुगतान और उसके बाद उस पार्टी को मतदान जो पल्स का भुगतान दिलाने की बात को प्रबल रूप से रखेगा और दिलाने का विश्वास दिलाएगा उस पार्टी को, ये मतदान की बात है। पहले भुगतान मतदान का मतलब यह नहीं है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, बल्कि हम यह दिखा देंगे कि हम मताधिकार का जो उपयोग है जिस तरीके से करना चाहिए मताधिकार का उपयोग, हम मतदाता हैं और अपनी बात प्रबल रूप से इस बात के लिए रखते हैं कि जब तक पल्स का भुगतान नहीं होगा या जो पार्टी हमारे भुगतान संबंधी बात करेगी और अपने चुनावी एजेंडा में रखेगी, हमारा मत जो हमारा वोट है वो उस पार्टी के साथ रहेगा। हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, ना ही हम किसी का समर्थन कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हम आज एक ही जाति है, एक ही वर्ग है, एक ही समुदाय है, पल्स पीड़ित। दैट्स ऑल। तो दोस्तों आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।